हेलो सर, वेलकम टू आई बैंक। हाउ कैन वी हेल्प यू? हमें पैसे चाहिए सर। लोन चाहिए या विड्रॉल करेंगे? लूटेंगे भगभोसड़ी। तो भैया, पिछली वाली वीडियो में हमने एक बंदे की हेल्प करने के लिए भी कहा था। उसने मतलब कुछ तेल वेल के बात थी, उसकी हेल्प करने के लिए कही थी हमने। और हमने मतलब जो यहाँ का सबसे पावरफुल आदमी है वो इटालियन है, जिसके पास वो लोंडा भी था छोटा वाला जैक। उससे भी हमने अपनी जान पहचान बनाई थी। तो भाई उसके यहाँ पार्टी वार्टी में गए थे, वहाँ से हमने एक कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट चुराया था। रोबरी में वो हमें काम आने वाला है, कोई बोट वगैरह है वहाँ पे, वो जो काम आएगा हमारे उसे लूटने में। उसकी लोकेशन वगैरह है उसके अंदर, उस बोट के अंदर अच्छा खासा पैसा है भाई। फिर हम यहाँ से कट लेंगे आराम से, कोई शांति की ज़िंदगी जियेंगे कहीं दूर जाके, जैसा कि वहाँ प्लान है। तो भाई आज के अपने सबसे पहले मिशन एक पास में है, बेस पे है एक मिशन अपना, तो वहाँ चले। यो बंदा है जी, सब उससे बचा के लाए बाउंड्री हंटर से। ए सायनारा भैया। हाँ, ते भी सायनारा। इस सायनारा से मुझे एक गाना याद आ रहा जो मैं तुझे बिना पूछे सुना रहा। सायोनारा सायोनारा, आज तू कहाँ से मरा के आ रहा। रोज मरा के लगाता है किनारा, कान फट गई पर मैं जानी आ रहा। सायोनारा सायोनारा। तो भाई यार, यो बोट लूटने वाले मिशन है। और इसने हमारे से कही कि भैया ढंग के कपड़े थे पहन लो, हमें वहाँ काउबॉय बन के बदमाश बन के नहीं जाना। हमें इस तरह से जाना है वहाँ कि किसी को बता लगे कि हम उस जगह को लूटने आए हैं। तो चलो यार, नए कपड़े तो सिलवा लें। भाई साहब ने बेस पे दर्जी भी आ गया, तो भाई यार बन के कहते ही जेंटलमैन आदमी। तो मुझे पता होता है यहाँ पे दर्जी भी है अपने बेस पे। वैसे मुझे कपड़ों तो कितनी रहती ना, बढ़िया हथियार होनी चाहिए, बढ़िया घोड़ा होना चाहिए। अच्छा जी, नाई भी यहीं है, बढ़िया। चलो बाल भी कट जाएंगे अपने, मैं तो कटना है बहुत दिन से, अब जब मन थोड़े बड़े दिन में कटवाने। तो भैया बाल बाल कटवा के एकदम सेट हो गया, अपनी लुक कुछ ऐसी आ रही जेंटलमैन वाली। पहले तो भाई बदमाश वाली लुक थी कावे वाली, अब भाई जेंटलमैन वाली लुक आ रही। तो चलो यार कोच पे चले। एक सेकंड यार, हैट भी चाहिए मुझे, पूरे जेंटलमैन बन के जाना, क्योंकि वहाँ पे भाई ना यही लगना चाहिए कि हम उन्हें लूटने आए। ऐसा लगना चाहिए कि जैसे हम उन्हीं के साथ के आदमी हैं। भाई हैट दे दिया अपनी, रिक्शे में बैठ के जान लग रहे हैं, पुराने टाइम का घोड़े वाला रिक्शा। तो भाई यार ये है वो जो याच वगैरह जहाँ से हमें लूटना है। तो भाई यार हथियार तो हमारे भारी जब्त कर लिए, लेकिन अभी हमें बिना हथियारों के से लूटना पड़ेगा। लेकिन ये जो लोंडा अपनी गर्ल का जो कह रहा कि ये लोग के आदमी हैं, तो इनकी कुछ टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अभी तो भाई हम यहाँ जेंटलमैन वाली बकचोदियाँ करने वाले हैं, पोर्कस टेबल पे बैठेंगे और भी चूतिया पे करेंगे। ओ भाई मैं ही लगा रहा पैसे वैसे यार, $2 से नीचे लगा नहीं सकते यार। कितने कितने पैसे लगा, कितने $300। चल सा ले ले $2 भाई, मैं लगाऊंगा भाई सबसे कम $2 अब की बार भी। अरे यार $14 से कम नहीं लगा सकते बहन चो, सारा पैसा चला जाएगा अपना। यार ये चूतिया आदमी है भाई, बहन चो इतने इतने पैसे लगाए जा रहे यार, $34 से कम नहीं लगा सकते भाई, बहुत पैसा नाश हो जाएगा ऐसे अपना। मुझे नहीं खेलना इनके साथ में, ये पागल आदमी है यार, पूरा का पूरा पैसा लगा दे। अब यार ये पगलैट है वो आदमी भाई, जुए में एक बार हार गया भाई, फिर भी वो कह रहा नुके मेरे पे एक बहुत महंगी वाली घड़ी है, अब मैं उसे दाव पे लगा रहा। अब ऐसे बंद कैसे करेंगे इसे गेम को, मुझे खेलना ही नहीं यार, बैठ तो पैसों का नुकसान हो जाएगा। तो चलो यार, पैसे भी जीत गया काफ़ी सारे और एक घड़ी भी जीत गया इसकी। क्यों सही यार, चूतिया था यार ये इंसान, सही बताऊँ मैं भाई, ये पागल है भाई वो इंसान। भाई क्या कर रहा यार, एक बार हार गया फिर लगा रहा वो पैसा भाई, नहीं गंदा है जुए का खेल, मैं तो भाई से ख़त्म करना चाहता था। लेकिन चलो यार जीत गया, टेंशन क्या है, शायद से हम उसकी घड़ी लेने आए हैं। ओ भाई इस वॉल्ट के अंदर है, ओ भाई यो अपनी गैल का था। सही है यार। ओ भाई केस कर दिया यार, हट साले, हेडशॉट ही फाड़ूंगा। अरे यार इसे तो लूट लूँ, शायद अभी होना मुन्ना आ गया दूसरा कट्टा लेकर, कई $1000 और एक बहुत बढ़िया वाली घड़ी मिली है मैं। ओ भाई आया जो अपनी गला आया था ना, ये भाई गार्ड बन गया था। अरे भाई इसके सिर पे पेल के दूसरे वाले गए, और भाई इसका कट्टा ले लिया हमने, केस कर दिया यार एकदम से। वक्त तो बदल दिया, जज्बात बदल दिए, ज़िंदगी बदल दी। ओ भाई लड़ाई बाज गई तगड़ी वाली, पता लग गया ना कि हमने ये हरकत करी है। समझो एक कट्टा है एक है यो, ये तो बहुत ज़्यादा हथियार हो गया यार। तो यार अब इस बोट से निकटना पड़ेगा, यो जी अपनी राइफल,
8 साल है पानी में कूद गए। अबे बीच समुद्र में कहाँ जाएंगे हम, टाइटैनिक वाला सीन ना हो जाए। अच्छा वहां अब तक दूसरा टाइटैनिक खड़ा, बढ़िया। वहां से कई हजार डॉलर और भाई हमें बहुत कीमती घड़ी मिली, इसी कारण हमने इतना जुआ खेला, इतना पैसा बर्बाद करा। भाई टोटल 6 हजार डॉलर मिले थे वहां से, उसमें से अपना हिस्सा कुछ 700 साढ़े 700 डॉलर के आसपास का पड़ा, और बैंक का वो भी था उसमें, मतलब जो बेस का शेयर हुआ है वो भी था। ये मैं कहाँ आ गया? हेलो सर, वेलकम टू आई बैंक, हाउ कैन वी हेल्प यू? हमें पैसे चाहिए सर। लोन चाहिए या विड्रॉल करेंगे? लूटेंगे भग भोसड़ी। अच्छा बैंक का क्लर्क है, बैंक में आ गया। चलो कोई नहीं, बाद में बात करेंगे बैंक वालों तुम्हारे से। ओ भाई यहाँ नहीं पंगा लेना भाई, बैंक बैंक में सामने बैंक था, बैंक में बड़ा चला गया। ओ भाई केस है यार। तो चलो भाई यार बेस पे चले, वहाँ पे जो चची है ना जिस हमने वहाँ से बर्फीले इलाके से बचाया था, उससे कुछ बात बात करनी। तो आपने लैम्बोर्गिनी तेज तो बहुत है ही, चले ऐसे लेगा फटाफट। अरे चची वही कपड़े पैर डोल रही जो वहाँ से लाई थी। अरे चची और भी कपड़े अच्छे ले आया यार, कमी थोड़ी आई पैसों की। अरे पहनता भैया क्या मस्त है ना इन काउगल वाले कपड़ों की फिटिंग। कागल मतलब? अरे जैसे तुम काउबॉय होते हो ऐसी लगे गर्ल बन जाए तो उसे काउगल नहीं कहने के, इतनी अंग्रेजी नहीं आती। मैं निकला और गड्डी लेके। अरे डच भैया गड्डी लेके तो आप आए हो, लिकड़े कहाँ हो? अब मैं तुझे भी बताता हूँ। तो भाई यार हम चची से बात कर रहे थे तभी डच भैया आ गए हमारे से बात करने, कहीं रोप रिंग का प्लान बनाया डच भैया। हाँ तो भैया आप कुछ बताने वाले थे? और मुझे नहीं पता, सन्नी पाजी का गाना आई है और सन्नी पाजी के बारे में सामने कुछ बोल बत्ती है, बहुत बड़ा फैन हूँ मैं उनका। अरे तो भैया कुछ बुरा थोड़ी बोल रहा हूँ पाजी के बारे में। ओए बिल्कुल नहीं, मैं पंजाबी सन्नी पाजी पंजाबी बहुत बड़ा फैन हूँ मैं उनका, अच्छा ही मत बोल। सॉरी भैया। अबे यार भाई उन्होंने भाई अपने गैल का एक बंदा है उसका भाई सिर काट गया और उसके हाथ में देके भेज रखा। ये टक कैसे गया गेम? एक सेकंड। अरे भाई बिल्कुल जम गया, कुछ मोशन मोशन कुछ तो कर दे भाई, एक सेकंड। अबे यार हैंग हो गया पीसी। तो मैं बताऊँ अभी हुआ क्या था। तो भाई हम डच भैया से बात करने लगे थे किसी नई जगह को, किसी शहर वहर को लूटने के बारे में। तो भाई जब ही एक बंदा अपनी गैल का वो है जो मतलब एक बार हम गए थे जहाँ से हमें 600 डॉलर मिले थे चिमनी के अंदर से, और भाई हम जो मतलब हमें वहाँ पे ले गया था वो एक बार हमें पीछा कर रहा था, हम उसे पकड़ के भी लाए थे अपने बेस पे वहाँ बर्फीले इलाके की बात है। तो भाई वो बंदा है और उसका भाई सिर काट के उसके हाथ में ऐसे दे के घोड़े बिठा के भेज रखा भाई उन्होंने, जहाँ तक एजेंटों का काम है। और जब तक पीसी सही नहीं होता तब तक यार बैठे हो नहीं, परफॉर्मेंस तो इतनी बेकार नहीं है गेम में, जहाँ तक गड़बड़ होगी अब यार रिस्टार्ट करना पड़ेगा। चलो भाई गेम तो शुरू हो गया, अब वापस वहीं तक की प्रोग्रेस बना रहे हैं। तो भाई फाइनली पहुँच गए वहाँ पे और लड़ाई बच चुकी है। सेकंड ये देखना बंदे हैं कहाँ पे, सेकंड ये है क्या? अच्छा नहीं ये तो अपने साथ का शायद से। हाँ ये जोनी को ले गया है इससे कि उसे चोट वोट ना लग जावे, इसको फेंके इसमें। चलो सही है, हट साले तेरी बहन की। आ जा बेटा आ जा, ये हो गया। तो भैया हमें बाहर गेट पे जाना जो मेन डोर के एंट्रेंस है, डच भैया ऊपर से देखेंगे। ये वाला की बार तो उन्होंने भेड़ लिया, बढ़िया बढ़िया। अपने कट्टा लेके यहाँ से चलूँ, चलो 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 अंदर चलो, बढ़िया। यो पड़ा एक के हेड शॉट, हट साले। ये इसके 50 बंदे होंगे एजेंट के, ये फोड़ दिया। अरे यार घर में वापस भागना, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, किवाड़ भेड़ो किवाड़ भेड़ो। चलो
चलो यार किवाड़ भेड़ दिया अंदर तो आ गए हम। सारे खिड़की दरवाजे सब बंद करने, यहाँ पे कवर लेना। हट तेरी, यो फोड़ दिया। हट साले, मैं थोड़ा सा टाइम लेके फोड़ू। अच्छा जी, अब एक सेकंड थम जाओ यार, मुझे यहाँ कवर लेना पड़ेगा। यो रहा, अब थम जाओ, यहाँ से देखना पड़ेगा ऐसा। हट साले, जम थ्रू द विंडो एंड फाइंड सैडली। सैडली को ढूंढना यार हमें। अब मुझे कट्टे की जरूरत पड़ेगी, या कट्टा ये ठोका। यार केस हो गया तो भागो 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 भागो, आगे भागना पड़ेगा। वहाँ है सैडली सामने की साइड। हट साले, ओ भाई साहब यार, आंटी सही में एंड है। अरे सबकी मुझे याद आई थी बहुत ज़्यादा है, एंड यार सही में आंटी। कट्टा बस हाथ में होना चाहिए, फिर तो देख लेंगे ना। हट साले, कवर लेना पड़ेगा। कवर 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 कवर, अबे कवर क्यों ले पा रहा मैं। चलो सही है, कई सारे हैं सामने। ये हो गया, एक ही गया। ये हो रहा, ये हो गया। एक एक छोटे पटकाने भाई सारे। यार चलो ये हो गया। एक इसके पीछे को है, पेड़ के पीछे को। साले को वहीं जाके देखना पड़ेगा। पेड़ के पीछे दुबक जाओ। हट साले, हट तेरी माँ की। यो मर गया इंग। यो नहीं 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 रिलोड नहीं, बस बढ़िया फोड़ दिया ये भी। एक यो लगा इसके हेड शॉट, बढ़िया बढ़िया। अब इंगे से देखूं। हट साले तेरी बहन की, भाई साहब अंधा फायर करने लग रहा। अब यार जी मुझे समझ में नहीं आया, मुझे राइफल इस्तेमाल करनी चाहिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बढ़िया। हट साले, ओ भाई बढ़िया, टीम वर्क हो रहा है कतई तकड़ा वाला। रीलोड कर लूँ बस मैं। ये वो लौंडा था जो मतलब हमेशा मैंने करे थे अपनी गैंग में लेने को, लेकिन इनने कहीं ना कहा भाई ले लो मुझे ले लो। इनने जान भी बचाई थी हमारी अपने एक बंदे से। तो भाई यार बेस पे अटैक होने के बाद हमने उसे कह दी कि भाई इसे तो बरी करो, और ये जो है इनके क्या कहते हैं ठिकाने लगाने इनकी लाशों को फेंकना इधर किधर, क्योंकि भाई अपने बेस पर काफ़ी कचरा वचरा सा हो गया। और डच भैया ने वहाँ ऐसा कही कि जितनी मतलब हम हमारे पैंथ भैया तो कहे थे कि हमें भैया बेस बदलना चाहिए, क्योंकि हमारे पे यार बार बार भाई खतरा होने लग रहा बेस पे आ जाए बंदे। और भाई ये उसके बंदे थे ओडिसल्स के, मतलब जिसने हमें दाबा था जब, उसके बंदे थे सारे के सारे। तो भाई अब डच भैया से ही मिलना पड़ेगा, पहले एक थोड़ा सा दूर का मिशन है उसे करें। और भाई डच भैया ये कह रहे लेकिन कि जितनी बड़ी हमारी प्रॉब्लम है ना उतनी बड़ी हमारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। हमारे तो भाई समझ में नहीं आया, और जितनी बड़ी प्रॉब्लम है उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं का मतलब। लेकिन जहाँ तक डच भैया कहना चाह रहे हैं कि मतलब जितने भी हमारे दुश्मन हैं ना हम सारों को लूटने का हिसाब किताब बनाएंगे अब, और भाई फिर यहाँ से निकल लेंगे कहीं बहुत दूर, जैसा हमारा प्लान था हमेशा से। तो भाई आज की मज़ेदार लड़ाई में मज़ा आया हो तुम्हें तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब करना, मिलेगा अगली वीडियो में।